एक गांव में दो व्यक्ति भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। तो एक ने भगवान से क्या प्रार्थना करी कि भगवान मुझे अगला जीवन ऐसा देना अगला जीवन कि मुझे केवल धन मिलता रहे, देना नहीं पड़े मुझे, है ना। अंदर से सबकी इच्छा यही होती है ना कि धन मिलता रहे, देना नहीं पड़े किसी को। तो उसने भगवान से ये मांगा कि बस अगले जन्म में ऐसी स्थिति मेरी बना दो कि मुझे केवल धन मिलता रहे, किसी को देना नहीं पड़े। और दूसरे ने क्या मांगा कि मैं जितना हो सके मैं बस दूं लोगों को, दूं। दूसरे ने ये प्रार्थना की तो दोनों मरे। अगले जन्म में ये पहला वाला जो ये मांग रहा था कि मुझे ऐसी स्थिति में रखना कि मुझे किसी को कोई धन नहीं देना पड़े और मुझे मिलता रहे, उस देश में, उस गांव में वो भिखारी बना, है ना। भगवान ने उसकी इच्छा पूरी की, मिलता रहेगा, तेरे को देने की कोई जरूरत नहीं, ले कटोरा लेके घूमता रहे। कभी कोई भिखारी से अपेक्षा रखता है कि ये भिखारी मेरे को कोई दान देगा? नहीं, कोई तेरे से अपेक्षा नहीं रखेगा। और ये दूसरा व्यक्ति उसी गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बना, क्योंकि इसने क्या मांगा था कि मुझे केवल मैं देता रहूं, तो देते रहने के लिए इसको इतना धन देना पड़ेगा, इसलिए भगवान ने इसको सबसे अमीर व्यक्ति बनाया। और वो पहला वाला उसको उसी गांव का भिखारी सबसे बड़ा बनाया। तो सोच समझ के मांगो। क्योंकि भगवान का जो दिमाग है ना, वो हमारे दिमाग से उनका प्रोसेसर बहुत फास्ट है और शार्प है। जैसे ऐसे ही एक व्यक्ति ने भगवान से मांगा, भगवान मुझे एक ऐसी नौकरी जहां पर लोग अपना अपना काम करें मेरे अंडर और मुझे लाकर पैसे देते रहे, अपना अपना काम करते रहें और मुझे लाकर पैसे देते रहें। उसको नौकरी मिली सुलभ शौचालय में। सुलभ शौचालय में बैठे रहते ना वो लोग अपना अपना काम करके चले जाते हैं, है ना। इसको पैसे दे देते। क्या कहा था मैंने? सोच समझ के